नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अभी तक तो कोरोना भी ठीक नहीं हुआ था, इसके साथ एक और बीमारी अब फैलने लगी है। जी हाँ, बात हो रही है ब्लैक फंगस की, जिसका नाम आप लगातार सुन रहे होंगे। हालांकि अभी तक हरियाणा के अंदर इसके ज़्यादा सर्वाधिक मामले नहीं देखे गए थे, और हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर अभी तक एक भी इसका मामला सामने नहीं आया था। आपको बता देते हैं कि ब्लैक फंगस आखिरकार है क्या। ब्लैक फंगस आंखों का एक इन्फेक्शन है, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है और कई लोग जो है अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा चुके हैं। ये ब्लैक फंगस कोरोना होने के बाद कहीं ना कहीं उसके ही कुछ लक्षणों के अंदर शामिल है। लेकिन अब बात आती है हिसार की। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर 207 संक्रमित मरीज अभी है वहाँ पर, लेकिन उन 207 कोरोना संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो दो दिनों के अंदर संख्या घटनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से संख्या बढ़ने लगी है। और इसके साथ साथ एक और बात निकल करके सामने आई है कि अब पहले सिरसा और फतेहाबाद के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। जी हाँ, ब्लैक फंगस के 6 से 7 मामले अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर आज 2 को ऑपरेट भी किया गया है। हालांकि अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो ब्लैक फंगस का हालांकि सवाल अक्सर उठता है कि ब्लैक फंगस कैसे हो रही है। तो ब्लैक फंगस के फैलने के पीछे की वजह है, अगर ज़्यादा टाइम तक आप बीपी के शिकार रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक आपको शुगर रही है, या फिर अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, इसके अलावा अगर आप कोरोना पाइप का लगातार ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेट एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस ज़्यादा फैल रही है। कोरोना संक्रमण के बाद अब मरीजों को आँखों की बीमारी ब्लैक फंगस का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा हमला कोरोना संक्रमित शुगर के मरीजों पर हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 10.4% लोग शुगर के मरीज हैं, यानी कि 2 करोड़ की आबादी में 30,30,000 लोगों पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अन्य हेल्थ विशेषज्ञ ये तक कह चुके हैं, जो शुगर के मरीज हैं उन पर ब्लैक फंगस का खतरा सबसे अधिक है, क्योंकि शुगर के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर रहती है। प्रदेश में अभी 50 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। इनमें 27 मरीज रोहतक पीजीआई में पहुंचे हैं, 6 हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, गुड़गांव में भी एक निजी अस्पताल में 10 मरीज भर्ती हो चुके हैं। अब बात आती है कि कैसे फैलता है ब्लैक फंगस और क्या ध्यान रखना चाहिए। स्टेरॉइड ब्लैक शुगर कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता के अलावा ऑक्सीजन पाइप से इन्फेक्शन फैल सकता है। ऑक्सीजन के लगातार इस्तेमाल से वेट एनवायरनमेंट बनता है, जो ब्लैक फंगस को फैलने में मदद करता है। अब ब्लैक फंगस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। फंगस ऑक्सीजन पाइप में ना रह जाए, इसके लिए बार बार पाइप को क्लीन करना ज़रूरी है। खासकर ICU एरिया में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन संबंधित लाइसेंस और उपकरणों के पार्ट्स को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या घट गई थी, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या दोबारा से बढ़ करके 207 हो गई है। डॉक्टर गीतिका दुग्गल ने बताया कि कोविड सेंटर में नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव चौहान के नेतृत्व में टीम सतर्कता के साथ कोरोना की जंग लड़ रही है। वहीं 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए हैं, 6 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है और 12 मरीजों की उपचार के दौरान मौत भी हो चुकी है। बाकी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मेडिकल कॉलेज में 1,437 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। मेडिकल के चिकित्सकों की टीम दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कोरोना के साथ नई बीमारी ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। मेडिकल कॉलेज में आधा दर्जन ब्लैक फंगस के मरीज भी ICU विभाग में अपना उपचार करवा रहे हैं। हालांकि अभी मेरे साथ डॉक्टर गीतिका दुग्गल जुड़ने वाली हैं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ब्लैक फंगस फैल रहा है, क्या शुगर और बीपी के पेशेंट्स को इसका सबसे ज़्यादा खतरा है, और क्या हिसार के अंदर भी अभी तक कोई ब्लैक फंगस का ऐसा मामला सामने आया है जिसके अंदर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर गीतिका दुग्गल जुड़ चुकी है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर अब तक कितने कोरोना के जो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके अंदर क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जब वो पहली बार हॉस्पिटल के अंदर आते हैं।
मतलब टोटल हमारे पास जो रिपोर्टेड है वो 7 केसेस हैं और 2 भी सस्पेक्टेड है। सिम्टम्स पेशेंट जो है वो उसमें मतलब वो अपीयरेंस एक तो पता लग जाता है, उसकी अपीयरेंस जो है देख के लोकल एग्जामिनेशन में, और कुछ पेशेंट्स हेडेक की कंप्लेंट कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो सस्पिशन में होते हैं जो स्पेशली कोविड के बाद ये कंप्लेंट्स देते हैं। बीमारी अब कोरोना के अंदर लोगों के अंदर फैलने लगी है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मतलब लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड्स चलते हैं और जो डायबिटिक होते हैं जिनका लॉन्ग स्टे रहता है आईसीयू में, उनमें इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं इन पेशेंट्स के। क्या डायबिटीज के पेशेंट्स और शुगर के पेशेंट्स या फिर हाइपर बीपी के पेशेंट्स हैं उनके अंदर ब्लैक फंगस होने का ज्यादा खतरा है? ठीक है, ऐसे जनरल डायबिटिक को नहीं होती है, जिनको स्टेरॉयड भी चलते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जैसे दी जाती है, तो उन केसेस में रहते हैं चांसेस ज्यादा डेवलप होने के। कोविड नहीं करवाता ये, कोविड की वजह से जो ट्रीटमेंट पार्ट में जो इम्यूनिटी सप्रेस होती है ये उसके कारण होता है। पोस्ट कोविड भी हो सकता है और ड्यूरिंग कोविड भी हो सकता है। अभी तक जितने पेशेंट्स अग्रोहा मेडिकल में आए हैं, क्या उसके अंदर कोई ऐसा पेशेंट आया है ब्लैक फंगस का जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो या फिर वो जो है मर गया हो? हाँ, मतलब कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आई इन्वॉल्व हो गई थी मतलब आंख में, तो उसको हमने ऑपरेट किया है अभी। Okay. आज हमने 2 केसेस ऑपरेट किए हैं, इसके डिब्राइड किए हैं। ओके। ब्लैक फंगस जिसके भी होती है आप उसका उपचार किस तरीके से कर रहे हैं? क्या अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इससे लड़ाई लड़ने के लिए? एक इसमें फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन बी आती है, तो वो हम लोग दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर गीतिका दुग्गल अभी जुड़ी थी, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं। अगर इसको शुरुआती दिनों में ही नहीं दिखाया जाता तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिसके बाद मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि बाहर देखा गया है कि कई लोगों के अंदर ब्लैक फंगस होने की वजह से वो अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं, लेकिन हिसार के अंदर अभी इसके ऊपर जाँच चल रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। 2 ब्लैक फंगस के संक्रमित मरीज जो आए थे उनको ऑपरेट भी किया गया है। हालांकि देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद उन्हें कितना आराम मिलता है, क्या उनकी आंखों की रोशनी उसी तरीके से रहेगी जैसे पहले थी। हालांकि अभी तक तो यही जानकारी मिल रही थी, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे इससे रिलेटेड और क्या जानकारी मिलती है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।